पड़ोसियों से आपने सुना सोनाली फोगाट मर्डर मिस्ट्री को लेकर उनका क्या एंगल है। इधर फोगाट के भाई ने भी कहा है कि हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर वो जल्द ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मिलेंगे। सर, कल यहाँ पहला दिन था गोवा पुलिस का, क्या कुछ हुआ यहाँ पे और आज क्या कुछ एक्सपेक्टेड है? गोवा पुलिस तो सिर्फ यहाँ उनकी प्रॉपर्टी की जांच करने के लिए आई है, और एक संदेश मैं मीडिया के माध्यम से देना चाहूँगा। जिस तरह मीडिया के हिसाब से ही और किसी के कहने पर उनकी संपत्ति को बताया जा रहा है कि 100 करोड़ है, 110 करोड़ है, तो उनकी जो पैतृक संपत्ति है, जो उन्हें अपने उनके ससुर कृष्ण फोगाट से, उनके बेटे संजय फोगाट को मिली, और संजय फोगाट मेरे जीजा जी से ये सारी प्रॉपर्टी मेरी बहन सोनाली फोगाट को मिली है। इस पैतृक संपत्ति के अलावा और उनके पास उनने अपने हिसाब से कभी कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है। जो भी प्रॉपर्टी है उनकी पैतृक संपत्ति है जी, तो इस बात को ज़्यादा मीडिया में ना उछाला जाए। हाँ, अगर उन्होंने अपने बेस पे कुछ प्रॉपर्टी बनाई होती तो उसका इश्यू होता, जो पैतृक संपत्ति है उसका इसमें कुछ नहीं है। सर, एक और एंगल सामने आ रहा है कि सुधीर सांगवान, ये काफी बड़ा फार्म हाउस है, इसकी भी प्रॉपर्टी वो हड़पना चाहते थे, क्या कुछ आपको इस चीज में पता लग पाया है? हाँ, कुछ डॉक्यूमेंट उसने तैयार करवाए हुए थे लीज पे लेने के लिए, 18 साल तक की कोई लीज का डॉक्यूमेंट तैयार कर, वो हमें अभी रिसेंटली 2-3 दिन में ही पता चला, और वो डॉक्यूमेंट हम ले आए वहाँ से, और सदर थाना SHO को भी दिखाए हैं, और वो गोवा पुलिस यहाँ आई है इन्वेस्टिगेशन के लिए, उनको भी वो दिखाए हैं। अभी भी सीबीआई की जांच नहीं दी गई है, इसमें आप फिर से क्या मिलेंगे ML खट्टर जी से, फिर से क्या ये आप एक रिक्वेस्ट आगे रखेंगे? जी बिल्कुल, हो सकता है कि आज या कल हम CM साहब से दोबारा मिलेंगे।